अगर कोई जो है कट्टर मानसिकता का, कट्टरपंथी संगठन का कोई अगर समर्थन कर रहा है तो फिर आरएसएस का विरोध करने का अधिकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों का विरोध करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अगर जो बैलेंस बनाए दोनों तरफ नहीं, बिल्कुल ये बैलेंस क्यों बनाएंगे फिर? अगर आपकी नज़र में तालिबान जो है, जो कट्टरपंथी संगठन है, जो लगातार जो है तमाम बातें जो कर रहा है, उसके आने से जो है आम पब्लिक में इतनी ज़्यादा दहशत है कि जो आपने देखा होगा कि मलाला यूसुफजई, जिसे जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया, इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित एक जो जो महिला है, उनको किस तरह से जो है स्कूल जाने के जुर्म में मतलब गोली मारी गई थी, ये तमाम जो चीजें हैं तो ये तो कट्टरपंथी संगठन की एक मतलब पहचान है। और आज भी आप देखिए जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसके बाद जो है पेंटिंग को जो है पोता जा रहा है और तमाम जो चीजें की जा रही हैं, तो ये तमाम चीजें इस बात की गवाही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यही होगा आने वाले समय में। आप देख लीजिए ना जो काम आरएसएस कर रहा है, वही काम जो है तालिबान कर रहा है। आरएसएस लगातार यहाँ के लोगों को नहीं जीने दे रहा है, वो वहां की आजादी छीन रहा है। इन सारे संगठनों का काम आजादी छीनना है, चाहे वो आईएसआईएस हो या फिर तालिबान हो या आपका जो आरएसएस है, ये सारे संगठन लगातार लोगों की जो हकूक है, जो लोगों की आवाज, उसको दबाने का जो है काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। लोगों की जो आजादी है वो छीनी जा रही है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो अघोषित आपातकाल है वो पूरे देश में। देखिए मैं अपनी अगर निजी राय रखूं तो कहा कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, लेकिन पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम तक तो ठीक है, लेकिन कट्टर होना ठीक नहीं। मैं किसी भी कट्टरपंथी संगठन का कभी भी समर्थन ना किया है और ना भविष्य में कभी करूंगा, क्योंकि कट्टरता हमेशा जो है विनाशकारी रही है और हमेशा रहेगी। तो कट्टरता का किसी भी सूरत में समर्थन तो मैं तो नहीं कर सकता। बाकी हमारे देश में भी मामले बहुत हैं, लगातार देश में परेशानियाँ बहुत हैं। हालांकि इस समय जो है अफगानिस्तान की चिंता है, या कुछ लोगों को जब फलस्तीन और इसराइल के बीच जब जो है जंग चल रही थी तो कुछ लोग लगातार फलस्तीन की चिंता या इसराइल को कोस रहे थे। आज मैं काफी लोगों को देख रहा हूं कि कुछ लोग तालिबान के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरी निजी राय यही है कि अगर दुनिया में कोई भी परेशान इंसान है जिसके साथ जो है बदसलूकी हो रही है, जिसके साथ जाति हो रही है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। अगर किसी के साथ अफगानिस्तान की आवाम के साथ, आम आवाम के साथ अगर गलत हो रहा है तो मैं अफगानिस्तान की आम आवाम के साथ खड़ा हूं। तालिबान संगठन का कोई अगर साथ दे रहा तो दिक्कत क्या है उसमें? नहीं तो ठीक है भाई, जो दे रहे हैं तो फिर उनको संघ का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। जो अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं, कहा जा रहा है कि अमेरिका इसका दोषी है। देखिए तो कहीं ना कहीं मैं तो अमेरिका को तो पहले कह रहा हूँ, यूएसए मतलब जो है तमाम, आप अगर देखेंगे आप हिस्ट्री में झांकने की कोशिश करेंगे तो यूएसए ने क्या नहीं किया। यूएसए का जो सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा जो व्यापार है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, वो पूरी होती है हथियार सप्लाई से। हथियार का बिजनेस करता है, व्यापार करता है, जाहिर सी बात है सबको पता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर के 45 तक जब विश्व युद्ध चला तो उसमें अमेरिका का क्या रोल था? अमेरिका इसको भी हथियार दे रहा था, उसको भी हथियार दे रहा था। मतलब अमेरिका का साफ है, आप मरो आप कटो, आप चाहे जो हो, अमेरिका का भला होना चाहिए। सुपर पावर तो उसी वक्त बना था ना अमेरिका, अमेरिका सुपर पावर इसीलिए है। अमेरिका देशों को आपस में लड़वा करके खुद के हथियार सप्लाई करता है। अमेरिका का बहुत बड़ा फायदा है उसकी इकोनॉमी। तो कह रहा हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। नहीं, अमेरिका क्या कह रहा है या अमेरिका का मतलब छोड़िए, लेकिन अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका जो है हमेशा से अमेरिका का यही काम रहा है अपने हथियार बेचना। लेकिन आरोप तो चाइना रूस पे लग रहा है। चाइना और रूस भी, देखिए तालिबान के साथ की अगर हम बात करें तो चाइना और रूस भी लगातार जो है तालिबान के साथ है, अमेरिका भी जो है तालिबान के साथ ही है और तालिबान जो मानसिकता के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका ने यही किया शुरुआत से भी अमेरिका ने, और आप देख रहे होंगे कितने भयावह है। जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका अभी अफगानिस्तान में कुछ नहीं हुआ, तो आपने तमाम वीडियो देखे होंगे कल से लेकर के आज तक जो वीडियो आए हैं, एक प्लेन का जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, उस प्लेन में जो है लाखों लोग जो है एक जगह मतलब कंदार कहाँ का काबुल शायद एयरपोर्ट का, काबुल एयरपोर्ट का वो वीडियो है, उसमें कितने लोग जो है जाने के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। जिन लोगों को अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती है वो बाहर लटक जाते हैं, लेकिन जैसे प्लेन जब हवा में उड़ान भरता है उसके बाद जो है लोग नीचे गिरते हैं, और नीचे आकर के हालांकि वो उसके तालिबान के गुलाम तो नहीं रहते, लेकिन वो दुनिया से भी जो है अलविदा कह जाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में विचलित। संगठन तो सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है ना? नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल बना चुका है पुरजोर कोशिश। क्या कर रहा है वहां के जो राष्ट्रपति है, वो देश छोड़ करके भाग गए हैं कजाकिस्तान, वो खुद जो है अपने बचाव की गुहार लगा रहे हैं। जो वो मुल्ला गनी है उन्होंने दावा ठोक दिया है, हो चुका है, अब यही होगा। देखिए आप आगे आगे तो भाई सीधी सी बात है, तो ये होगा जहां जहां। अफगानिस्तान में 400 प्रोजेक्ट है भारत के, जिन पर वहां काम हो रहा था, करोड़ों रुपए लगाए गए थे, क्या भविष्य देखते हैं आप? नुकसान होगा? देखिए बिल्कुल हो सकता है कि जो है आने वाले टाइम का भविष्य का नहीं मुझे पता, लेकिन नुकसान होना तो तय है। जिस तरह से अफगानिस्तान की जो सरकार जो है गिर गई है और वहां के जो राष्ट्रपति है वो अपनी जान बचा करके जो है वहां से भाग चुके हैं।
देखिए जिस तरह से जो है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जो स्थिति हमें पहले से पता थी, तो ये तो कहीं ना कहीं जो भी है इनकी विदेश नीति जो कूटनीति जो रही होगी, मुझे इस बात बारे में जो है ज़्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन जिस वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना और इतने बड़ा निवेश करना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि